पलवल सदर थाना क्षेत्र के गांव अहरवा में पुरानी रंजिश के चलते 50 वर्षीय महिला की बिटोडे में जलाकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। ऐसी गई जी, हम कोई 10-11 बजे सीख अपने नहर लाए पशु के लिए, नहर गिर गया और वे आराम से लौटियाँ और नहाए धोई हैं। मैं बाहर के लेकर गया हूँ, इनके घर मेरे चाचा हैं, इनके घर मेरे थोड़े हम तो बैठा हूँ परे के वहाँ पे पीछे वो कोई पता नहीं क्या हो। तो घर से कितनी दूर है बिटोरा जो रखा हुआ है? पास में। किस काम के लिए गई होगी वहाँ पर? क्या पता जी मुझे, क्या कैसे गई है, कैसे मारिए हो ही ना मौके पर, वो क्या पता। पड़ोसियों पर शक का और कोई दूसरा कोई कारण? पड़ोसी पर शक है मेरे पक्को। क्या क्या नाम है? किसान है, जगराम है, वीरपाल है, जगवीर है। हाँ कृष्ण जी, बताएंगे अहरवा गांव में एक महिला की मौत हुई है, क्या है कारण और कब आपको सूचना मिली? हमें कल दोपहर बाद 4:30 बजे करीब सूचना मिली कि गांव अहरवा में एक औरत की जलने के कारण मौत हो गई। तो हम वहाँ मौका पर पहुँचे हैं, तो वहाँ देखा है कि एक नंगा अवस्था में एक लेडीज़ की लाश बाहर रखी हुई थी, जहाँ पर आग लगी हुई थी बिटोड़े के अंदर, तो बाहर रखी हुई थी। तो हमने वहाँ उसका मौका मुआयना किया, फिर गांव वाले काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, वहाँ पर एसपी साहब भी गए थे हमारे और अभी तस्दीक कर रहे हैं। बाकी उसमें बाई नेम पर्चा दर्ज करा दिया मुरई ने, जो मरने वाली का घर वाला है उसके बयान पर्चा दर्ज हुआ है और इसमें 4 आदमियों का नाम बाई नेम पर्चा दर्ज करा दिया निकलेगा है। तो अभी 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, तो तस्दीक करके जैसे भी आरोपी के खिलाफ अभी वैसे हत्या का मुकदमा दर्ज किया हत्या कर